विचार तरंगे और उनकी प्रजनन प्रक्रिया। विचार तरंगे मन के समंदर को कैसे पार करती हैं? स्व प्रजनन की क्षमता, हमें प्रभावित करने वाले कंपन, जो नहीं करती तो क्यों? जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। दूसरों के विचार कैसे हमारी नियति बनाते हैं? मार्कोनी के तार रहित उपकरण द्वारा आकर्षण के नियम की व्याख्या, मस्तिष्क के कई उतार चढ़ाव, सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार, हम कुछ के प्रति सकारात्मक हैं और कुछ के प्रति नकारात्मक। मानसिक सिद्धांतों का अध्ययन हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता में परिवर्तित करता है। सकारात्मक सतह से ज्यादा लोग नकारात्मक सतह पर, फलस्वरूप ज्यादा नकारात्मक विचार तरंगे। उन्हें कैसे संतुलित करें? पुष्टि एवं स्व सुझाव और उनके इस्तेमाल। नई मानसिक इच्छा का निर्माण, इच्छा शक्ति का विकास। तनाव हमेशा वंचित नहीं होता। अपनी इच्छा से सकारात्मक से ग्रहण की ओर कैसे बढ़ें और उसके क्या लाभ हैं? आइए चर्चा करते हैं विचार तरंगे और उनकी प्रजनन प्रक्रिया पर। जिस प्रकार पानी में पत्थर फेंकने पर उसमें लहरें उठती हैं ना, उसी प्रकार विचार भी लहरें उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, जो मस्तिष्क के महासागर में फैल जाती हैं। हालांकि दोनों में एक अंतर होता है। पानी की लहरें एक सतह पर हर दिशा में प्रेक्षित होती हैं और विचार की लहरें हर केंद्र के हर दिशा में प्रेक्षित होती हैं। जैसे कि सूर्य की किरणें हर दिशा में फैल जाती हैं। आपने कभी गौर किया? जिस प्रकार हम धरती पर वायु के एक विशाल समुद्र से घिरे हुए हैं ना, उसी प्रकार हम मन के विशाल समुद्र से भी घिरे हुए हैं। हमारी विचार तरंगे इस विशाल मानसिक आकाश गंगा में सभी दिशाओं में सफर करती है। हालांकि हमारी ओर आने वाली दूसरी तरंगों के साथ घर्षण की वजह से धीरे धीरे इसकी तीव्रता दूरी के साथ कम हो जाती है। इन विचार तरंगों की कुछ और खूबियां भी हैं जो इसे जल तरंगों से अलग करती हैं। इनके अंदर प्रजनन क्षमता होती है। इस विषय में इनका स्वभाव ध्वनि तरंगों से मिलता है। जैसे वायलिन का एक सुर कांच में कंपन पैदा कर सकता है, एक गीत हमारे मस्तिष्क में उसे ग्रहण करने वाले कंपन को जागृत कर देता है। कई अनायास विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं, असल में वह किसी और के उत्तरात्मक दृढ़ विचार या प्रतिबिंब होते हैं। परंतु जब तक हमारा मस्तिष्क उसको स्वीकार करने के लिए अनुकूल नहीं होगा, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। जब तक हम कोई बड़ा विचार सोच रहे होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस विचार के स्वरूप का एक विशेष राग तैयार करता है। और जब एक बार यह राग स्थापित हो जाता है, तो हम उसी तरह की दूसरी तरंगों को ग्रहण करने की क्षमता रखने लगते हैं। दूसरी तरफ जब हम इसके विपरीत कोई छोटी सी सोच रखेंगे, तो हमें उसी प्रकार के लोगों के तुच्छ विचारों की गूंज सुनाई देगी। हमारा चरित्र मुख्यतः हमारे बारे में अपनी सोच से ही बनता है। बाकी हमारे बारे में दूसरों की राय और विचारों से बनता है, जो मौखिक या विहार तरंगों की टेलीपैथी से हम तक पहुंचता है। मगर हमारी और दूसरों के विचार तरंगों की प्रकृति का निर्धारण हमारी सामान्य मानसिक धारणा से ही होता है। हम अपनी सामान्य मानसिक धारणा के अनुरूप ही विचार तरंगों को गढ़ा करते हैं। भिन्न विचार हम पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं जागृत कर पाते हैं। जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ साहस और दृढ़ निश्चय की सकारात्मक मानसिक धारणाएं बनाता है ना, उसे किसी दूसरे के मस्तिष्क से आने वाली निराशा और असफलता जैसे नकारात्मक विचारों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, भले ही वे नकारात्मक विचार उस दूसरे व्यक्ति में कितने ही प्रबल क्यों ना हो। उसी तरह से जब ये नकारात्मक विचार किसी निराशावादी व्यक्ति तक पहुँचते हैं, तो वे उसकी निराशा को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। ये उस आग में घी डालने का
काम करते हैं जो उस व्यक्ति की क्षमता को कमजोर कर रही है, या यदि आपको यह पसंद आए तो उसके अंदर की ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। हम अपने जैसे सोचने वालों के विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सफलता के बारे में सोचता है तो वह अपने जैसे विचारों से सामंजस्य बिठाने में तत्पर रहेगा। इसमें वे उसकी मदद करेंगे और वह उनकी जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में हर समय असफलता का भाव रहता है ना, वह वैसे ही असफल व्यक्तियों को संपर्क में लाता है, क्योंकि वह उन्हीं को आकर्षित करता है ना। वे दोनों एक दूसरे को और पीछे धकेलने लगेंगे। जिस व्यक्ति को हर जगह बुराई नजर आती है वह हर जगह बुराई ढूंढने लगता है। ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आता है जो हर समय बुराई को ही ढूंढते हैं, जो उसकी इस धारणा को और भी अत्यधिक मजबूत करेंगे। और जो व्यक्ति हर जगह अच्छाई देखेगा वह अपने जैसे विचार वाले व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। आप इस बात को और बेहतर समझ पाएंगे यदि आप मार्कोनी के तार रहित उपकरण के बारे में सोचेंगे, जो उन्हीं तरंगों को पढ़ता है जो उसके सामंजस्य में होती हैं, जबकि बाकी तरंगे बिना किसी अवरोध के उसके आसपास की हवा से गुजरती रहती हैं। विचारों का संचालन भी तो इसी नियम से होता है। हम अपनी मानसिक धारणा के अनुसार ही विचार ग्रहण करते हैं। यदि हम निराश हो चुके हैं तो यह तय है कि हम नकारात्मक सतह पर पहुंच चुके हैं, और ऐसे न सिर्फ हमारे अपने सोचने से हुआ है बल्कि हमने उन नकारात्मक विचारों को भी ग्रहण किया है जो हमारे आसपास मौजूद दूसरे बदकिस्मत लोगों से आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक विचारों की दुनिया के आकर्षण के नियम को नहीं समझा है। जब भी कभी हम उत्साह और ऊर्जा की पराकाष्ठा पर होते हैं तो अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रेक्षित साहसी, हठी और ऊर्जावान विचारों के अंतर्वाह की सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं। हम समान सोच वाले लोगों के विचारों को बड़ी ही आसानी से सामंजस्य में भी बैठा लेते हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, और यही प्रक्रिया उनकी अनुपस्थिति में भी हल्के तौर पर होती है। हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक व नकारात्मक स्वर मानों के चरम के बीच कई स्वर सक्रिय होते हैं। इनकी तीव्रता दूसरे लोगों के उसी स्वर से उनकी दूरी पर निर्भर करती है। जब आपका मस्तिष्क सकारात्मक दिशा में सोचता है ना, तो आप स्वयं को दृढ़, शांत, स्पष्ट, मेधावी, प्रसन्न, आनंदित, साहसी और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं और अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करते हुए सफलता की राह पर आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह जब आप अपने मन के कीबोर्ड पर नकारात्मक धुन बजा रहे होते हैं ना, तब आप निराश, कमजोर, निष्क्रिय, सुस्त, भयभीत और कायर महसूस करते हैं और आगे बढ़ने में अक्षम भी महसूस करते हैं। दूसरों पर आपका प्रभाव शून्य हो जाता है। आप नेतृत्व करने के बजाय पीछे चले जाते हैं और खुद से ज्यादा सकारात्मक व्यक्ति आपका एक पायदान या फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं। सही है ना? कुछ लोगों का सकारात्मक पक्ष बहुत मजबूत होता है और कुछ में नकारात्मक पक्ष ज्यादा मुखर होता है। सकारात्मकता और नकारात्मकता की तीव्रता भी अलग अलग होती है, और क का रुख ख की ओर नकारात्मक और ग की तरफ सकारात्मक हो सकता है। जब दो लोग मिलते हैं तो दोनों के दिमाग का एक मौन मानसिक द्वंद्व होता है, जिससे वे एक दूसरे की सकारात्मकता को नापते हैं और सामने वाले के लिए अपनी स्थिति सुनिश्चित करते हैं। सामान्यतः इस प्रक्रिया का आभास नहीं होता है, मगर यह होती तो जरूर है। तालमेल स्वतः हो जाता है, पर कभी कभी यह द्वंद्व इतना गहन होता है कि दोनों में कांटे की टक्कर भी हो जाती है और उनके अवचेतन में घर कर जाता है।
कभी कभी दोनों की सकारात्मकता इतनी समान होती है कि वे किसी भी मुद्दे पर मानसिक रूप से एकमत नहीं हो पाते, उनकी आपस में कभी नहीं बनती, और या वे अलग हो जाते हैं या सदा विवादों में ही उलझे रहते हैं। हम अपने आप से संबंधित हर व्यक्ति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रहते हैं, जैसे हम अपने बच्चों, कर्मचारियों और अपने ऊपर आश्रित लोगों के प्रति तो सकारात्मक रहते हैं, पर दूसरी तरफ अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति नकारात्मक रहते हैं। ऐसा संभव है। ऐसा इसलिए संभव है कि अचानक यदि कुछ भी हो जाए और हम उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा सकारात्मक हो जाएं जिसके प्रति अभी तक हम नकारात्मक रहते थे, तो हम अक्सर इस तरह के मामले में देखेंगे कि जैसे जैसे इन मानसिक नियमों की जानकारी और व्यापक होती जाएगी, वैसे वैसे लोगों को नव शक्ति के इस्तेमाल से और प्रभावशाली होने के उदाहरण सामने आएंगे। आपको यह याद रखना होगा कि आप अपने सकारात्मक स्वर को सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के और ऊपर उठा सकते हैं। यह भी सत्य है कि आप कमज़ोर इच्छा शक्ति या लापरवाही की वजह से नकारात्मक स्वर की आखिरी तह पर भी जा सकते हैं। नकारात्मक सतह पर मौजूद लोगों की संख्या सकारात्मक सतह पर लोगों की संख्या से कहीं अधिक है। इसके फलस्वरूप हमारी मानसिक आकाशगंगा में नकारात्मक तरंगें ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, परंतु एक बात अच्छी है कि सकारात्मक तरंगें नकारात्मक तरंगों से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, और यदि हम अपनी इच्छा शक्ति की मदद से एक ऊंचा सकारात्मक सुर पकड़ सकें ना, तो हम निराशा को बाहर कर तरंगों से सामंजस्य बिठा सकते हैं जो हमारे लिए अनुकूल भी हैं। यह पुष्टिकरण और आत्म सुझाव का एक ही रहस्य है, जिसका प्रयोग कई मानसिक विज्ञान के संस्थान और नई सोच के लोग किया करते हैं। पुष्टिकरण का वैसे तो कोई विशेष योगदान नहीं होता, पर इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली यह कि एक नई मानसिक धारणा स्थापित कर चरित्र निर्माण में सहायक होती है, अपने आप को परिवर्तित करने की कला, और दूसरा यह हमारी मानसिक अवस्था को बेहतर बनाती है ताकि हम अपने सतह पर मौजूद सकारात्मक विचारों को ग्रहण कर सकें। हम इसमें यकीन करें या ना करें, पर हम वक्त पुष्टिकरण करते रहते हैं। जो भी व्यक्ति ईमानदारी से इस बात की पुष्टि करता है ना कि कोई काम वह कर सकता है और करेगा, तो वह अपने अंदर उस काम को फलीभूत करने के लिए गुणों का विकास कर लेता है और साथ साथ अपने मन को उन विचार तरंगों के सामंजस्य में ले आता है जो उसकी मददगार हो सकती हैं। दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति यह सोच लेता है कि वह असफल हो जाएगा, तो उसी क्षण वह अपने अवचेतन मन से मिल सकने वाली सहायता का रास्ता बंद कर देता है और साथ साथ मानसिक तौर पर असफल विचारों, दुनिया की राय के साथ आ खड़ा होता है। मैं दावा करता हूँ कि दूसरे प्रकार के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अपने आसपास मौजूद लोगों के नकारात्मक और अवरोधी विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। आइए अपने मन के ऊपरी पटल पर आइए और एक जोरदार स्वर लगाने की तैयारी करिए। अब तक आप न सिर्फ इन नकारात्मक तरंगों से निश्चिंत हो जाएंगे, बल्कि आप अपनी सतह पर तैरने वाले सकारात्मक विचारों के भी संपर्क में आ जाएंगे। मेरा लक्ष्य आपके पास पहले से ही मौजूद विचार और इच्छा शक्ति का सदुपयोग करना समझाना है, ताकि आप ज़रूरत के अनुसार उन्हीं सुरों को पकड़ सकें। हर वक्त सबसे ऊंचे सुर को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि एक अनुकूल स्वर को बगैर किसी तनाव के पकड़ कर रखें और ज़रूरत के समय ऊपर छलांग लगाने के लिए तैयार रहें। ऐसा करने पर हम मस्तिष्क की स्वतः क्रिया पर निर्भर रहने के बजाय उसे अपने अनुसार निर्देशित कर सकेंगे। इच्छा शक्ति का विकास भी मांसपेशियों के विकास की तरह ही होता है, नियमित अभ्यास और लगातार सुधार से। शुरुआत में थकान होना स्वाभाविक है,
पर हर प्रयास के साथ व्यक्ति और भी दृढ़ होता चला जाता है और नई ताकत स्थायी रूप ले लेती है। हम में से कई लोग जरूरत पड़ने पर आपातकालीन परिस्थिति में सकारात्मक हो जाते हैं। हमें जरूरत पड़ने पर मुकाबले के लिए तैयार रहने की आदत होती है, पर सही मानसिक अभ्यास से यह आदत हमारी स्वाभाविक मुद्रा बन जाती है। और जब आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत महसूस होगी, तब आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनकी अभी तक आपने कल्पना भी नहीं की है। मैं लगातार तनाव में रहने की वकालत नहीं कर रहा हूँ, यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि इससे न सिर्फ थकान होगी बल्कि ग्रहण किए गए विचारों को आत्मसात करने के लिए मस्तिष्क को तनाव दूर करने की भी ज़रूरत होती है। एक विशेष स्तर पर आत्मसात करने के लिए दिमाग को आराम देना भी अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है कि ज़रूरत पड़ने पर आप वापस उस अवस्था में कभी भी जा सकते हैं। एक स्वाभाविक रूप से अति सकारात्मक व्यक्ति उल्लास और मनोरंजन को बहुत हद तक खो देता है। सकारात्मक रहने से आप भाव प्रेषित करते हैं और ग्राही बनकर आप प्रभाव आत्मसात करते हैं। सकारात्मक रहकर आप एक शिक्षक बनते हैं और ग्राही बनकर एक विद्यार्थी। एक अच्छा शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है, पर कभी कभी एक अच्छा श्रोता होना भी उतना ही आवश्यक होता है। आज हमने जाना कि विचार तरंगे और उनकी प्रजनन प्रक्रिया क्या है और हमारे जीवन पर किस तरह असर डालती हैं। अगला अध्याय मन की बात है, जिसमें हम आदत की शक्ति, अभिलाषा, मौलिक लक्ष्यों का प्रभाव, प्राण शक्ति, मानसिक संस्कार और इच्छा शक्ति पर मनन करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगले अध्याय में जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।